नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि फिल्म कला निर्देशक नितिन देसाई ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन अपने स्टूडियो को बचाने के लिए उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जबकि बीजेपी सांसद सनी देओल के बंगले की प्रस्तावित नीलामी 24 घंटे के भीतर ही रोक दी गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की वीआरएस को लेकर कहा कि वोट काटने की जगह से खुले तौर पर बीजेपी के समर्थन कर देना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई गोवा हाईवे बनने में देरी पर जो लोग राज्य की जनता को लूट रहे हैं, जनता उन्हीं को वोट दे रही है। शरद पवार का जिक्र करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि अजित पवार अब तक कम से कम 4 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये सभी पद उन्हें शरद पवार की कृपा से ही मिले हैं। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में 12 एथलीट्स शामिल हुए थे जिसमें नीरज टॉप पर रहे। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को ओपनिंग विकेट काफी शानदार रहा है। इस फिल्म की कमाई में शनिवार और रविवार का और भी उछाल आया। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने अपने पूर्व नेता शरद पवार को लेकर कई दावे किए हैं। भीड़ में हुई रैली में छगन भुजबल ने बताया कि वो शरद पवार ही थे जिन्होंने उन्हें बीजेपी के साथ जाने के लिए कहा था। अजित पवार ने अपने आलोचकों के लिए कहा है कि मेरे ऊपर निशाना साधने वालों को मैं अपने काम से जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें 2024 में एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार लाना है। पठान के बाद शाहरुख खान एक बार फिर जवान बनकर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा सकते हैं। फिल्म के प्रीव्यू और मोशन पोस्टर से मिले रिस्पॉन्स से ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके फैंस को उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी के निर्माण में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के योगदान को न पछा पाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि पंडित नेहरू केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।